हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में चैनल आता है जहाँ पर बना हुआ स्टडी बडी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, आप जाके हमारे अलग एक टैब खुल जाता है। अगर आप फोन से चला रहे हैं या फिर आप लैपटॉप से चला रहे हैं, उसके बाद आप वीडियोस रहता है, अबाउट रहता है, लास्ट में प्लेलिस्ट रहता है। यहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बाकी का हमारे जो और भी सब्जेक्ट्स हैं या फिर और भी टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम वीडियोस करते हैं। मैं आपको बस बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा अपने इलेक्ट्रिकल के एग्जाम के लिए। आई होप आप अच्छे से करें। इलेक्ट्रिकल में आप ये चीज़ याद रखें कि न्यूमेरिकल आपका टाइम बचाएंगे अगर हो सके, और न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करें। यूनिट 1 के न्यूमेरिकल आपसे होंगे ही नहीं, तो अगर एग्जाम में नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चंस डिफिकल्ट देंगे। अगर हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है यूनिट 1 से तो इट्स वेल एंड गुड। जो आपका थेवनिन नॉर्टन ये सारे पूरे ये, बट बाकी के जो यूनिट्स हैं 2, 3 एंड 4, उसमें से अगर जो भी न्यूमेरिकल का पार्ट है वो बहुत इजी होता है, तो वो आप कर ले। मैंने भी कराया है और आप भी उसको कर ले। आपको मुश्किल से 3, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एट मैक्स प्रैक्टिस करने होते हैं। यू जस्ट हैव टू गेट अ फील ऑफ इट और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो आप कुछ जो स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हैं बताई हैं वो देखिए, वो वीडियोज भी देखिए, स्ट्रैटेजी वीडियोज हाउ टू गेट 80% और ऐसे करके मैंने काफी वीडियोस करे हुए, तो उनको जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।